सकते और ना ही अपने दोस्तों से मिल सकते हैं। मगर इन 21 दिनों में हम ऐसी चीजें जरूर कर सकते हैं जो अगर हम रेगुलर बाहर जाते रहते तो शायद ना हो पाती। हमारे घर में रहने से हमारे काम पर फर्क तो पड़ा है, मगर यार घर में रहने से हम वो चीजें कर या सीख सकते हैं जिसको सीखने के लिए या करने के लिए हम बोलते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है या रोज जॉब से आने के बाद टाइम नहीं मिलता। आज हम ऐसी ही बातें जानेंगे दोस्तों, जो हम घर में बैठकर अगर इन चीजों को करें तो हम अपने आप में ही ऐसे इंसान बन सकते हैं कि फिर हम अपनी बुरी आदतों से, बुरे लोगों से और अपने दुखों से हाथ छुड़ा सकते हैं। मैंने कई लोग ऐसे भी देखे हैं जो ऐसी मुसीबत के टाइम अपने घर में रहने से जरा कतरा रहे हैं। उनके लिए कुछ लाइंस है मेरे पास। तूफान के हालात है ना किसी सफर में रहो, पंछियों से है गुजारिश अपने सजर में रहो। ईद के चांद हो अपने ही घर वालों के लिए, ये उनकी खुशकिस्मती है उनकी नजर में रहो। माना बंजारों की तरह घूमते हो डगर डगर, वक्त का तकाजा है अपने शहर में रहो। तुमने खाक छानी है हर गली चौबारे की, कुछ दिन की तो बात है अपने घर में रहो। बस कुछ दिन की ही बात है दोस्तों और उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा, मगर ये कुछ दिन भी हमारे लिए बहुत पावरफुल दिन साबित हो सकते हैं अगर आप इन्हें ठीक तरह से इस्तेमाल करो तो। तो अगर आप चाहते हो मेरी उन बातों को जानना जो वाकई आपकी बहुत मदद करेगी इन 21 दिन को गुजारने में, तो बस जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले है 21 दिन का चैलेंज लो। किसी ऐसे इंसान को ना तो देखोगे और ना मैसेज या कॉल करोगे जो आपको कुछ समझता नहीं। 21 दिन अपनी एक आदत बनाओगे, फिर चाहे वो पढ़ने की हो, चाहे जल्दी उठने की, चाहे मोबाइल ज्यादा यूज ना करने की, या चाहे किसी भी चीज की। दोस्तों हम सबके पास ऐसा कोई इंसान जरूर होता है जिसकी वजह से हम बहुत दुखी रहते हैं। वो हमें खुद से मैसेज या कॉल नहीं करता और हम इसी वजह से अपनी लाइफ में काफी अकेला फील करते हैं। तो आज से ही ये ठान लो कि अब से 21 दिन तक आप किसी भी ऐसे इंसान से बात नहीं करोगे जिसकी वजह से आपको रोना पड़ रहा है या जिसकी वजह से आप बहुत डिप्रेशन जैसा फील करते हो। इसी तरह अपनी कोई एक आदत बनाओ और डेली उसी हैबिट को फॉलो करो। आपका खुद को ये 21 दिन का चैलेंज देना बहुत ही ज्यादा सही साबित होने लगेगा और वो भी बस कुछ दिनों में, आपको वीक में या दो वीक में इसका असर नजर आने लगेगा। और दोस्तों 21 दिन के चैलेंज में आप अपनी कोई बुरी आदत भी छोड़ सकते हो। कोई भी बुरी आदत जो आपको लगता है कि वो आप में शामिल है तो आप उससे भी छुटकारा पा सकते हो। आपको करना यह है कि खुद के माइंड में, खुद के मन में ये बैठा लेना है कि अब 21 दिन तक आप ये काम बिल्कुल नहीं करोगे। चाहे जो हो जाए आपको इस आदत को 21 दिन तक इग्नोर करना ही है, खुद को बिजी रखना है। दोस्तों खुद को बिजी रखने के रास्ते ढूंढते रहना, क्योंकि यार आपके फ्री रहने से आपके माइंड में उल्टे सीधे थॉट्स आएंगे, फिर आप चाहकर भी हैप्पी रहने से कतराने लगोगे। आपको वो बातें भी घेरने लगेगी जो आपको सोचनी ही नहीं चाहिए। एक लाइन थी कि घर में तो सब है मगर वो हाल है बुजुर्ग का कि जिस दिन अखबार ना आए अकेला हो जाता है। तो आपको खुद को ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, अगर आपने उसमें अच्छी चीजें नहीं भरी तो उसमें बुरी चीजें ऑटोमेटिकली भरनी शुरू हो जाएगी। तो इन 21 दिनों में खुद को खाली मत रखना, चाहे किताबें पढ़ो, मूवीज देखो, स्टैंड अप कॉमेडीज देखो या कुछ भी करो जिससे आपका पूरा दिन बीते, मगर खुद को फ्री रहने से आपको बचाना है। और बिजी रहने के लिए आप कोई एक एक्टिविटी सीखो जैसे स्केचिंग या फिर डांस। दोस्तों हम सब के कुछ शौक होते हैं जो जॉब वगैरह के चक्कर में या लाइफ की भागदौड़ की वजह से हम उन्हें फॉलो नहीं कर पाते। हमारी खुशियां, हमारे ड्रीम पता नहीं कहां खोने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई हॉबी थी जो वक्त ना मिलने की वजह से आप नहीं कर पाते थे, या कोई भी ऐसी चीज थी जो आप करना तो चाहते थे मगर वक्त नहीं मिला तो आप इन्हें नहीं सीख पाए, तो आप अभी इन चीजों को भी सीख सकते हैं। आप अपनी हॉबी पर काम करना शुरू कर सकते हैं। अब आपके पास वक्त ही वक्त है, ये समझ लो कि ये 21 दिन आपको आपकी जिंदगी ने तोहफे की तरह दिए हैं। ये एक ऐसा गिफ्ट है जो अगर आप रोज को रोज की तरह बिताते रहते तो आपको कभी मिलता ही नहीं, और जिंदगी ने आपको घर में बैठा दिया कुछ दिन के लिए ताकि आप अपनी लाइफ की भागदौड़ से निगाह हटाकर अपने ऊपर ध्यान दे पाओ और ये जान पाओ कि लाइफ बहुत बड़ी है और आप जब चाहो अपनी हॉबीज पर काम करना शुरू कर सकते हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरी ये बातें आपको समझ आई होगी, ये बातें आपको 21 दिन का चैलेंज लेने में मदद करेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ ताकि मैं ऐसी ही अपडेट